ये फायदा है बेटा, ये मैं सब सीए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब होता था तो मैं पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ा पाता, समय नहीं मिल पाता, पर फिर भी ये तब पढ़ाया था तो देखो तुमको मजा आएगा। सीए इंटर की दृष्टि से पढ़ाऊंगा। अ पर्सन वॉन्ट्स टू लीज आउट अ मशीन कॉस्टिंग 5 लाख रुपीज़। तुम इमेजिन करो कि एक मशीन है जिसको तुम लीज आउट करना चाहते हो 5 लाख रुपए की, तुम किराए पर वो मशीन किसी को देना चाहते हो। 10 साल का पीरियड है बेटा, इसके फिगर्स को अपन हाईलाइट कर लो। ये 5 लाख रुपए की मशीन है, 10 साल के लिए तुम देना चाहते हो। इट इज़ अ फिक्स रेंटल ऑफ, इसका फिक्स रेंटल है 51,272, मतलब तुमको इसका किराया मिलेगा 51,000 रुपये का पर एनम पेबल एनुअली फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब ऑर्डिनरी एन्यूटी बनेगी। 5 लाख रुपए की मशीन तुम देना चाह रहे हो किसी को, तुम मशीन के मालिक को लीज आउट करना चाह रहे हो, 51,000 का लीज रेंटल तुमको मिलेगा। सपोज द इंटरेस्ट रेट इज 10%, अगर इंटरेस्ट रेट 10% का है, कंपाउंडेड एनुअली ऑन मशीन कैन बी मनी कैन बी इन्वेस्टेड। अगर तुम ये मशीन खरीदने में 5 लाख रुपए डाल दोगे तो तुमको 5 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा 10% के इंटरेस्ट पे, या फिर अगर तुम्हारे पास पर्याप्त धन है तो इतना पैसा जब तुम मशीन में डाल देते हो तो तुम अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हो 10% की, ऐसा इसका मतलब है। टू होम दिस एग्रीमेंट इज फेवरेबल, फेवर फॉर लेजी, मतलब जो किराए पर ले रहा है उसको बोलते हैं लेसर, जो किराए पर दे रहा है, सॉरी मैं गलत बोल गया, किराए पर जो ले रहा है उसको बोलते हैं लेजी, जो किराए पर दे रहा है उसको बोलते हैं लेजर, मालिक को लेजर और किराएदार को लेजी, है ना। और किसके फेवर में, लेजर के, लेजी के, नॉट फॉर बोथ और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन वापस से पढ़ लो, फिर मैं लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 83 मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। हाँ देखिएगा बच्चा, मैं लिखना हूँ यहाँ पर ऐसे, आओ साहब थोड़ा डायग्राम वाइग्राम बनाते तो मज़ा आता बेटा। अ पर्सन वॉन्ट्स टू लीज आउट अ मशीन कॉस्टिंग 5 लाख रुपीज़। ये व्यक्ति मशीन लीज आउट करना चाहता है, इसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए, और फॉर अ 10 ईयर पीरियड। ये 10 ईयर है बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा कर करके 10 ईयर पीरियड के लिए देना चाहता है। इट इज़ अ फिक्स रेंटल ऑफ 51,272। ये मशीन का रेंटल जाएगा, 10 साल का रेंटल जाएगा 51,272, यहाँ लिख दो बेटा थोड़ी जगह, 51,272 का रेंटल जाएगा। ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, मई 19 का क्वेश्चन है बच्चा। 51,272 का रेंटल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेट कितने का है, ये है 10% का, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, साल में एक बार हमको ब्याज लगेगा। ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड, अगर ये पैसा हमने मशीन में नहीं डाला होता तो हम जहां भी डालते वहां से हमको 10% का इंटरेस्ट मिलता बेटा। टू होम द मशीन, टू होम दिस एग्रीमेंट इज फेवरेबल, ये किसके लिए फेवर का है। देखो मैं मानता हूँ, जैसे मैं हो गया लेजर, मैं तुमको ये मशीन किराए पर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, स्टार लगा रहा हूँ, नए तरह का क्वेश्चन है, और तुम इसे किराए पर ले रहे हो तो तुमको 51,272 रुपये पर लेने में फायदा है कि नुकसान है, ये चेक करना है। तुम सिर्फ लेजी की दृष्टि से देख लो, मेरे लेजर हूँ, मेरी लेजर की चिंता छोड़ दो, मैं मालिक हूँ, मेरी चिंता छोड़ दो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेजर लेजी, तो ये लेजर हो गया मालिक वर्सेस लेजी, ये हो गया है किराएदार। तो लेजर को बोल दिया बेटा मैंने मालिक हो गया, मशीन का मालिक हो गया है, और ये लो लेजी जो है ये हो गया किराएदार, ये किराएदार हो चुका है। बोलो मंजूर है। अब सर देखो मैं बताता हूँ ये पता कैसे चलेगा। हाँ बोल बेटा, आप ये सारा जो है ना, वेरी गुड बेटा, सारा अली खान, अरे नहीं नहीं सर, ये जो सारा है ना ये सब इधर लेकर आ जाओ, ये सब प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ जाओ। फिर क्या बेटा, ये जितना भी 51,272, ये बार बार 51,272 उसको सब पीछे लेकर आओ और उसको कंपेयर करो कि 5 लाख से, अगर 5 लाख से कम पड़ता है ये 51,272 की प्रेजेंट वैल्यू तो लेजी फायदे में है, अगर 5 लाख से ज्यादा पड़ता है ये तो लेजर फायदे में। मैं समझाता हूँ, पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो चलो मैं गया और मैंने लिखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट, रेंटल्स जो दे रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो पी ब्रैकेट में 1 - 1 + r खोपड़ी पे -n अपॉन में r, ये लिख दिया बेटा, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल डाल दिया हमने। आ जाओ P कितना है 51,272, ये हो गया 1 माइनस, रेट कितना है बेटा 10% का, ये 0.10 हो गया, खोपड़ी पे -n कितना हो गया, ये -10 हो गया, r की जगह क्या हो गया 0.10 हो गया, और ये मार दिया डब्बा। बोलो समझ रहे हो,
मैंने रेट की जगह 10%, टाइम की जगह 10 ईयर्स, और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है। अब बेटा मुझे ये बताओ, क्या तुम उसे जानते हो कि प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर है ये बेटा? ये यस सर, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर है। क्या तुमको प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर को निकालना आता है? हाँ सर आता है। स्टेप्स लिख दोगे सर? लिख दूंगा। 1.10 डिवाइड इज इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा कितनी बार बेटा? 10 टाइम्स। और इसके बाद तुम कौन सा बटन दबाओगे बेटा? GT। और GT का बटन दबाओगे तो चेक कर लो क्या बनेगा। 1.10 डिवाइड का बटन दबाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार कर दिया बेटा। अब बटन दबा दो GT का। GT का बटन दबा दिया, 6.144 ये अपन ने बना दिया। GT का बटन दबा दिया, दबा दिया साहब। इसकी वैल्यू क्या आई? 6.144। क्या तुम 6.144 का मीनिंग समझते हो? हाँ सर। अगर एक एक रुपया 10 साल तक जमा करेंगे तो आज उसकी वैल्यू आएगी 6.144। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 51272, तो ये आ गया 315044। ध्यान से, हाँ बच्चों ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई 315044 और 0.24। तो पॉइंट हटा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है 3 लाख का। तो एक बार वापस से कर लूँ, चेक कर लूँ, कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। पर्सन ने 5 लाख मशीन, 10 साल का प्राइस, इतना रेंटल पे करना है, सेम इंटरेस्ट 10% का है, लगेगा फेवरेबल किसके लिए है? 1.10 डबल चेक कर रहा हूँ बेटा, डिवाइड का बटन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, GT का बटन, टोटल लगा दिया। टोटल लगाने के बाद में इंटू कर दिया, इंटू क्या कर दिया बेटा? इंटू कर दिया मैंने 515272, सॉल्व करा 315044, 315044, 315044 ये वैल्यू आ गई। मतलब किराए पर अगर कोई लेता है तो आज उसकी वैल्यू है केवल केवल 315044। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 315044, 315044। तो आप मुझे ये बताओ, लेजी को क्या ये मशीन खरीदनी चाहिए कि किराए पे ही चला लेनी चाहिए? क्योंकि लेजी किराएदार है, अगर वो इस मशीन को खरीदना चाहेगा तो उस मशीन की कीमत है 5 लाख रुपए, जबकि वही काम सस्ते में हो रहा है, केवल 3 लाख 15 रुपए में, 15,000 रुपए में। तो खुद सोचो, अगर तुम होते मेरे किराएदार और मैं सपोज तुमको कोई मशीन देता, एग्जाम्पल बतौर मैंने तुमको कोई गाड़ी दे दी, मैंने कहा भैया ये गाड़ी तुम किराए से चलाओ, और मैं किराए पे चला रहा, किराए पे दे रहा हूँ तुमको, और किराए क्या 51272 ये लीज रेंटल तुम देते हो मुझे हर साल, तो तुम ये लीज रेंटल देकर मुझसे किराए पे गाड़ी चलाना पसंद करोगे कि 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना पसंद करोगे? सर खरीदने के तो मजे ही अलग होते हैं, वो मत देखो, मजे वजे बात की चीज है, अभी तो धंधे की बात चल रही है। ये बता कि 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना बेहतर है कि वही काम सस्ते में हो रहा है 3 लाख 15 हजार रुपए में, तो किराए पर लेना ज्यादा बेटर है? यस, किराए पर लेना बेटर है। तो अपना कंक्लूजन क्या आएगा बेटा? अपन यहाँ पर कंक्लूजन में बढ़िया एक स्माइली बनाकर अपन लिख देंगे कि लीज रेंटल जो है वो कम है कॉस्ट ऑफ द मशीन के, और इसीलिए बेहतर होगा कि हम लीज पर ले। सो दिस एग्रीमेंट इज फेवरेबल फ्रॉम लेजी पॉइंट ऑफ व्यू। आंसर को चेक कर लो, फेवर फॉर लेजी दे के रखा है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आओ मैं इधर थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। बोलूँ क्या, आया सब बच्चों को समझ में? प्यारा क्वेश्चन था ना बेटा, कितनी बढ़िया टेक्निक से अपन ने इस क्वेश्चन को करा, नयापन कितना दिखा अपने को इस क्वेश्चन के अंदर, बढ़िया 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 बढ़िया। चलें बोलूँ, लिखो सर, आ जाओ, मैं भी इधर लिख देता हूँ, तुम भी लिख दो। आइए, इसमें लिखने जा रहा हूं बेटा, दिस एग्रीमेंट एग्रीमेंट इज फेवरेबल टू लेजी बिकॉज, दिस एग्रीमेंट इज फेवरेबल टू लेजी बिकॉज, ये लेजी के लिए फेवरेबल है, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हाँ बेटा, लीज रेंटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल कितना है? 315044, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना है बेटा? दैट इज 5 लाख रुपए। तो जो सस्ता पड़ रहा है बेहतर है कि हम उसी को ले लें।
बोलो क्या यहाँ तक आप मेरे साथ हो? कोई मन में कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बोलो बच्चा। चार, चलो तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 83। इसके अलावा दोस्तों स्कैनर में कोई और प्रश्न नजर नहीं आता। आई रिपीट।